पानीपत की तीसरी और आखिरी जंग के साथ मैं हाजिर हूँ। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच 14 जनवरी 1761 को पानीपत में लड़ा गया। इस जंग में गार्दी सेना प्रमुख इब्राहिम खान गार्दी ने मराठों का साथ दिया तथा दाओब के अफगान रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली का साथ दिया। 14 जनवरी 1761 की सुबह बुधवार मकर संक्रांति का दिन, इस दिन दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर पानीपत में भारत का इतिहास नई करवट लेने वाला था। एक बार फिर यहीं भारत का भविष्य बदलने वाला था। पानीपत के करीब से बहने वाली यमुना नदी के किनारे भारत के भविष्य के लिए सबसे अहम लड़ाइयों में से एक लड़ी जानी थी। ये लड़ाई थी मराठों और काबुल के राजा अहमद शाह अब्दाली के साथ। कई लोग मानते हैं कि पानीपत की ज़मीन पर लड़ी गई ये लड़ाई महज आन और शान की नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई भारतीय साम्राज्य की सीमा तय करने वाली थी। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये लड़ाई दोनों देशों के बीच सरहद से भी आगे की थी। यह लड़ाई भारतीय सभ्यता की सीमा तय करने की थी। 18वीं शताब्दी का ये वो दौर था जब मुग़ल दिल्ली के बादशाह तो थे, लेकिन उसकी सत्ता लाल किले तक ही सीमित थी। ये 1760 का भारत है। दिल्ली में मुग़ल सल्तनत तो है, लेकिन उसका प्रभाव लगभग ख़त्म हो गया था। उत्तर भारत में अवध है, रुहेलखंड है, आज के राजस्थान और तब के राजपूताना में जयनगर और मेवाड़ के अलावा कई छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति थी मराठों की। दक्षिण भारत और मध्य भारत में मराठा और उनके नुमाइंदों का शासन था। आंध्र और तमिलनाडु के कई स्थानों पर निजाम का शासन था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। 1757 में रघुनाथ राव ने दिल्ली पर आक्रमण कर दुर्रानी को वापस अफगानिस्तान लौटने के लिए विवश कर दिया और उन्होंने अटक और पेशावर पर भी अपने थाने लगा दिए। अहमद शाह दुर्रानी, जो कि दुर्रानी साम्राज्य का संस्थापक था और 1747 में राज्य का सुल्तान बना था। मराठों ने 1760 में निजाम को हराया, लेकिन उससे पहले 1758 में ही मराठों ने अपना वर्चस्व दिल्ली, अवध, रुहेलखंड के साथ पंजाब तक फैला दिया। मराठा वर्चस्व की सीमा सिंधु नदी के तट अटक तक पहुंचती थी। पंजाब में जीत के साथ ही मराठों की सीधी टक्कर अफगानिस्तान के राजा अहमद शाह अब्दाली से हो गई। अफगानिस्तान से जब अहमद शाह अब्दाली ने 1759 में अक्टूबर के महीने में भारत की तरफ छठी बार कूच किया, तब ये तय था कि उसे मराठों को हराना ही होगा। अब्दाली पंजाब को जीतता हुआ आसानी से दिल्ली तक पहुंचा। बीच में मराठा सेना की छोटी टुकड़ियों से उसका सामना हुआ, लेकिन मराठा उसे रोक नहीं पाए। रास्ते में अपना वर्चस्व स्थापित करता हुआ 1760 में अब्दाली जुलाई के महीने में दिल्ली पार करके अनूप शहर पहुँच गया। जब अब्दाली ने भारत की तरफ रुख किया, तब मराठा सेना दक्षिण में उदगीर में थी। जब यह खबर मराठों के पास पहुंचा तो 1757 को पेशावर में दत्ताजी सिंधिया, जिन्हें पेशवा बालाजी बाजीराव ने वहां पर नियुक्त किया था, उन्होंने कार्रवाई की, परंतु अफगान सेना और शुजाउद्दौला ने मार दिया। सदाशिवराव भाऊ अपनी समस्त सेना को उदगीर से लेकर सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जहां वे लोग 1760 में दिल्ली पहुंचे। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली दिल्ली पार करके अनूप शहर यानी दोआब में पहुंच चुका था और वहां पर उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और रोहिल्ला सरदार नजीबुद्दौला ने उसको रसद पहुंचाने का काम किया। इधर जब मराठे दिल्ली में पहुंचे तो उन्होंने लाल किला जीत लिया, जिसके बाद उन्होंने कंजपुरा के किले पर हमला कर दिया। कुंजपुरा में अफगान को पूरी तरह तबाह करके उसने सभी सामान और खाने पीने की आपूर्ति मराठों ने लूट लिया। मराठों ने लाल किले की चांदी की चादर को पिघलाकर उससे भी धन अर्जित कर लिया। करीब 1.5 महीने की मोर्चाबंदी के बाद 14 जनवरी 1761 को बुधवार के दिन सुबह 8 बजे ये दोनों सेनाएं आमने सामने युद्ध के लिए आ गई। बहुत भीषण जंग हुई। इस युद्ध में मराठा साम्राज्य के
पुणे के पेशवा बालाजी राव के पुत्र विश्वास राव को एक गोली शरीर पर लगी और वह गोली इतिहास को बदलने वाली साबित हुई। जब सदाशिवराव बाऊ अपने हाथी से उतरकर विश्वास राव को देखने के लिए मैदान में पहुंचे तो उन्होंने विश्वास राव को मरा हुआ पाया। इधर जब बाकी मराठा सरदारों ने देखा कि सदाशिवराव बाऊ अपने हाथी पर नहीं है तो पूरी सेना में हड़कंप मच गया, जिससे सेना का कमान न होने के कारण पूरी सेना में अफरा तफरी मच गई और सारे सैनिक भागने लगे। इस युद्ध में शाम तक आते आते पूरी मराठा सेना खत्म हो गई। मराठों के कई सरदार मारे गए, विश्वास राव पेशवा, सदाशिवराव भाऊ और जानकोशी सिंधिया शामिल थे। इब्राहिम खान गार्दी जो कि मराठा तोपखाने की कमान संभाले हुए थे, उनकी भी इस युद्ध में बहुत बुरी तरीके से मौत हो गई। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई। ये थी पानीपत की तीसरी और आखिरी लड़ाई। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल आज़ाद तारीख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।